जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाव हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, जो रिक्वायरमेंट निकली थी असम राइफल ट्रेडमैन वैकेंसी 2022 में, जो कि मैं वीडियो बनाया हुआ था, जो कि शॉर्ट नोटिस आया था। शॉर्ट नोटिस में 30 अप्रैल का जो पोस्टेड डेट दिया था ऑनलाइन करने का, लेकिन वह डेट आगे बढ़ गया है। लेकिन जो वैकेंसी बताया था टोटल 1380 पोस्ट वैकेंसी उतने ही है, यानी 1380 ही पोस्ट है, लेकिन फॉर्म भरने का जो डेट था वो आगे बढ़ गया है। तो आप साथियों, फुल नोटिफिकेशन असम राइफल का आ गया है, जो कि उसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथियों, तब तक के लिए आप वंशिका आल जाव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आल पे क्लिक करिए। और साथियों, बताना चाह रहा हूँ कि जो फुल नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों, ध्यान दो, असम राइफल ट्रेडमैन वैकेंसी 2022 फुल नोटिफिकेशन आया हुआ है। और साथियों, बताने जा रहे हैं डिपार्टमेंट जो है असम राइफल है, पोस्ट नेम जो, यानी कौन कौन पोस्ट पे वैकेंसी निकाली हुई है, तो ब्रिज एंड रोड, क्लर्क, टीचर, रेडियो एंड लाइन, रेडियो मैकेनिक, आर्मर, यानी अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली हुई है। साथियों, टोटल वैकेंसी 1380 है। और साथियों, बताना चाहता हूँ फॉर्म अप्लाई डेट, यानी कब से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन साथियों 6/6/2022 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी 6 जून 2022 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म का लास्ट डेट, यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 20/7/2022, यानी 20 जुलाई 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथियों, बताना चाहता हूँ एडुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी किस पोस्ट में क्या योग्यता मांगा गया है वो बताने जा रहा हूँ। साथियों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। बताना चाहता हूँ ब्रिज, पहला पोस्ट जो है ब्रिज का है। ब्रिज में साथियों 10वीं पास होना चाहिए प्लस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर ब्रिज। साथियों, ब्रिज एंड रोड में 10वीं पास और साथ में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और साथियों, क्लर्क का पोस्ट, जो दूसरा पोस्ट है वह क्लर्क का पोस्ट है। क्लर्क में 12वीं पास प्लस टाइपिंग इंग्लिश 35 पर मिनट होना चाहिए। इंग्लिश जो है 35 पर मिनट होना चाहिए और हिंदी का जो टाइपिंग है 30 पर मिनट होना चाहिए। और साथियों, बता देना चाहता हूँ तीसरा पोस्ट जो है रिलीजियन टीचर में, जो बीए साथ में रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए। और साथियों, बताना चाहता हूँ ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन में वैकेंसी निकली हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन में, जो कि इसमें 10वीं पास मांगा हुआ है। अगर जो कैंडिडेट सिर्फ ओनली 10वीं पास किए हैं, लेकिन 10वीं पास के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए इन रिलेटेड फील्ड, यानी ये जो रेडियो लाइन में 10वीं पास पर भरेंगे आईटीआई होना चाहिए, यानी रेडियो लाइन का आईटीआई होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, 12वीं पास हैं तब भी भर सकते हैं, लेकिन आपको 12वीं में पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, तभी साथियों आप लोग इस रेडियो लाइन को आप लोग भर सकते हैं। और साथियों, पांचवा पोस्ट जो है रेडियो मैकेनिक का है, जो 10वीं पास मांगा गया है प्लस डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड एंड 12वीं पास भी अगर रहेंगे, डिप्लोमा नहीं है तो 12वीं पास भी रहेंगे, लेकिन 12वीं पास में पीसीएम रहना चाहिए, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री रहना चाहिए। और साथियों, छठवां जो पोस्ट है आर्मोरियर का है, जो 10वीं पास मांगा गया है,
और साथियों सातवां पोस्ट जो है लैबोरेटरी असिस्टेंट का है, जो 10वीं पास मांगा गया है। और साथियों आठवां जो पोस्ट है नर्सिंग असिस्टेंट में है, नर्सिंग असिस्टेंट में 10वीं पास मांगा गया है। और साथियों जो नौवां पोस्ट है वेटरनरी है, जो कि वेटरनरी में असिस्टेंट में 10वीं पास मांगा गया है। वेटरनरी 12वीं पास होना चाहिए, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट का है जो 12वीं पास होना चाहिए। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट में जो वैकेंसी है 12वीं पास होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस होना चाहिए। आया में सिर्फ फीमेल के लिए है, महिला के लिए है, जो कि 10वीं पास होना चाहिए। वाशरमैन में 10वीं पास होना चाहिए। और साथियों बता दें एज के बारे में बता दें, एज कब से काउंट किया जाएगा। साथियों बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्काइप मत करिएगा, लास्ट तक देखेंगे तभी समझ आएगा। जो कि एज काउंट मांगा गया है 1/8/2022 से, 1/8/2022 से। आप लोग को बता दें किस पोस्ट में कितने एज के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जैसे ब्रिज हो गया, ब्रिज एंड रोड में 18 से, जनरल में 18 से 23 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी में 18 से 26 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एसी और एसटी में 18 से 28 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क में साथियों ध्यान दीजिए, क्लर्क में जनरल में 18 से 25 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी में 18 से 28 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एसटी और एसटी में 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों ध्यान दीजिए, रिलीजियन टीचर में जो वैकेंसी निकली हुई है 18 से 23 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और जनरल में और ओबीसी में 18 से 28 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एससी और एसटी में 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों ध्यान दीजिए, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन में बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, जो कि जनरल में 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और साथियों ओबीसी में 18 से 28 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और एसी और एसटी में 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों रेडियो मैकेनिक में जनरल में 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी के कैंडिडेट 18 से 28 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एसटी और एसटी के कैंडिडेट 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। रेडियो मैकेनिक में जनरल में 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी में 18 से 28 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और एसी और एसटी में 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों ध्यान दीजिए, आर्मोरर में 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट जनरल में आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी में 18 से 26 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और साथियों एसी और एसटी के कैंडिडेट 18 से 28 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों ध्यान दीजिए, लैबोरेटरी असिस्टेंट में जो वैकेंसी निकली हुई है, जनरल में 18 से 23 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी के 18 से 26 और एसी एसटी के कैंडिडेट 18 से 28 वर्ष। और साथियों ध्यान दीजिए, नर्सिंग असिस्टेंट में जो वैकेंसी निकली हुई है, जनरल के कैंडिडेट 18 से 23 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ओबीसी के कैंडिडेट 26 से 18 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एसी और एसटी के कैंडिडेट 18 से 28 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों ध्यान दीजिए, लैबोरेटरी असिस्टेंट में जो वैकेंसी निकली हुई है 18 से 23 वर्ष, 18 से 26 वर्ष जनरल, 18 से 28 वर्ष एसी और एसटी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आया में जो वैकेंसी निकली हुई है सिर्फ फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकती हैं, जो कि आया में ओनली महिला के लिए है, जो कि महिला के कैंडिडेट जनरल में 18 से 25, ओबीसी में 18 से 28 और एसी एसटी के कैंडिडेट आया में 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों ध्यान दो, वाशरमैन में जो जनरल में एज मांगा गया 18 से 23 वर्ष, ओबीसी में 18 से 26 वर्ष, एसी और एसटी में 18 से 28 वर्ष। और साथियों ध्यान दीजिए, पोस्ट नेम यानी आप लोग को बताने जा रहे हैं वैकेंसी डिटेल, यानी कितने पोस्ट में कितनी जगह है इसके बारे में बताने जा रहे हैं।
और साथियों ध्यान दीजिए, वैकेंसी डिटेल जो निकली हुई है, कितने पोस्ट में कितने जगह है ये बताने जा रहे हैं। जैसे ब्रिज रोड में 17 पोस्ट है, क्लर्क में 287 पोस्ट है, रिलीजियन टीचर में 9 पोस्ट है, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन में 729 पोस्ट है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन में 729 वैकेंसी निकली हुई है। रेडियो मैकेनिक में 72 पोस्ट है, आर्मर में 48 पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट में 13 पोस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट में 100 पोस्ट है, आया में 15 पोस्ट है, वाशरमैन में 80 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 1380 पोस्ट निकला हुआ है। और साथियों ध्यान दीजिए, हाइट को लेकर जो भी कैंडिडेट है, ओबीसी या कोई भी कैंडिडेट हो, हाइट के लिए बता देते हैं। हाइट जो मेल कैंडिडेट के लिए लगा है, यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट जो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साथियों ध्यान दो, गोरखा मिजोरम जम्मू एंड कश्मीर के मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 78 सेंटीमीटर, फुलाव 83 सेंटीमीटर। और साथियों ध्यान दीजिए, आया जो वैकेंसी है सिर्फ ओनली फीमेल के लिए, उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। और साथियों ध्यान दीजिए, फिजिकल के बता दें, यानी फिजिकल पीटी, यानी फिजिकल जो मेल कैंडिडेट है उनका फिजिकल कितना होगा, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। और साथियों फीमेल कैंडिडेट की जो दौड़ होगी, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ होगी, जो कि 8:30 का टाइम दिया जाएगा, यानी 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। साथियों वंशिका आल जाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आल पे क्लिक करिए, ताकि आने वाली जो भी वैकेंसी हो उसके बारे में इस चैनल के माध्यम से मिले। और साथियों जब फॉर्म ऑनलाइन होने वाला स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बारे में ये भी बता देंगे, फॉर्म ऑनलाइन करते समय क्या क्या लेकर जाना है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।